दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला नहीं हूं। दोस्तों जैसे आपने थंबनेल में देखा, आज मैं रोशन आप सभी लोगों के लिए आज से तकरीबन 20 साल पुरानी वीडियो हमारी कंपनी के महान डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर की उपलब्ध करा के आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहा हूं, जो कि बहुत ही दमदार है। जो उस समय की बिजनेस प्लान हुआ करती थी, बिजनेस प्रेजेंटेशन हुआ करती थी, जो लाइफ करके आती थी, LIFE लाइफ करके आती थी, जो बहुत ही कमाल की सेशन हुआ करती थी, और उसी सेशन को देख करके लोग बिजनेस को शुरुआत करते थे, जिसका नतीजा है दोस्तों कि आज ग्लेज इतना बड़ा हुआ है। दोस्तों उस समय में कंपनी के नाम ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं हुआ करती थी, बल्कि ग्लोबल कोलैबोरेटर्स हुआ करती थी। ग्लोबल का मतलब ब्राह्मण, कोलैबोरेटर्स का मतलब होता है एक छत के नीचे इकट्ठा करना, एक छत के नीचे इकट्ठा करना। इसी विजन के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये ग्लोबल कोलैबोरेटर्स के नाम से कंपनी हुआ करती थी पहले, ग्लेज नाम पड़ने से पहले, 2004 से पहले। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल की है, वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक एक बातों को सुनिए, और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन है लेकिन आपके लिए ये शब्द बहुत अनमोल है। उम्मीद करता हूं वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को प्यार देंगे और हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं ये खूबसूरत वीडियो। हेलो एंड ग्लोबल कोलैबोरेटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम चेतन है। आज के सेमिनार का भी टाइटल है लाइफ। लाइफ क्या है? ये लाइफ, हम में तो कुछ लोग होंगे जो मानते होंगे कि लाइफ उनके लिए पैसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि लाइफ उनके लिए पीस है, या फिर सेटिस्फेक्शन, या फिर एंजॉयमेंट। वेल इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लाइफ का वर्बल डेफिनेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने लाइफ को किस लेवल तक अचीव किया है। अगर मैं लाइफ को फिर से डिफाइन करूँ तो लाइफ सिर्फ दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक पैसा और एक टाइम फ्रीडम, क्योंकि बाकी सब कुछ पैसे के बाद आपको सिर्फ टाइम फ्रीडम से मिल सकता है। और आप ये खुद देख सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है तभी हम अपना टाइम अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ बिता पाते हैं और हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है तभी हम दूर दराज जगहों पर जाकर मेडिटेशन कर पाते हैं और हमें पीस महसूस होता है। अगर हमारे पास टाइम फ्रीडम है तभी हम कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं जिससे हमें स्पिरिचुअलिज्म यानी कि अध्यात्म का एहसास होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम है तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, जहां हम करना चाहते हैं, जब हम करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम सब के पास या तो पैसा होता है या फिर टाइम फ्रीडम होता है। जो लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, और जिनके पास टाइम फ्रीडम है उनके पास पैसा नहीं है। अगर हम हमारा डेली लाइफ शेड्यूल देखें, क्या होता है हमारा डेली लाइफ शेड्यूल, हम सुबह जल्दी उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, शाम को थके हुए वापस आते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। क्या यही लाइफ है? ये हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन टाइम फ्रीडम कहाँ है? और अगर टाइम फ्रीडम नहीं है तो हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि 90% लोग आज अपनी प्रेजेंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, चाहे जो भी उनकी जॉब का नेचर हो। वेल हम सब लोग आज सिर्फ इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से काम किया जाए कि हमारे पास लाइफ में दोनों चीज़ें एक साथ हों, बहुत सारा पैसा और उसके साथ बहुत सारा टाइम फ्रीडम, क्योंकि लाइफ है मनी प्लस टाइम फ्रीडम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक सर्वे से। अगर मैं बहुत सारे लोगों को उनके रास्ते में रोकूं और उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछूं, हेलो मिस्टर एक्स, आपकी जिंदगी का एम क्या है, तो आप जानते हैं मुझे किस तरह के आंसर्स मिलेंगे। इनमें से ज्यादातर लोग मुझे कुछ इस तरह के आंसर देंगे, एम मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचना है कि मेरी जिंदगी का एम क्या है, या कुछ लोगों के बहुत हवाई आंसर्स होंगे, एम मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में सोशल वर्क करना चाहता हूँ। सब के सब हवाई आंसर्स हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद अगर मैं उसी आदमी से वही प्रश्न दोबारा पूछूंगा तो उसका आंसर बदल जाएगा। और यही मूल समस्या है। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसके पीछे उनका मकसद क्या है। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए अगर मैं यही सर्वे एक छोटे से बच्चे पर करूं, एक छोटे से बच्चे को रोकूं और उससे पूछूं, हेलो बेटा, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का क्या एम है, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए,
तो आप जानते हैं उस बच्चे के क्या आंसर होंगे? उस बच्चे के वही आंसर होंगे जो शायद कभी आपके भी थे। वो कह सकता है, सर आई वांट टू बी डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे पास एक आलीशान बंगलो होना चाहिए रहने के लिए, मेरे पास अपनी मर्सिडीज कार होनी चाहिए ड्राइव करने के लिए, मैं गरीबों की सहायता करूंगा। इतने बड़े ड्रीम और इतने अच्छे विचार एक बच्चे के हो सकते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं ड्रीम्स, कहाँ जाते हैं ये विचार जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है? वेल, ये सब उस बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। मान लीजिए बच्चा एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एक ऐसी फैमिली जहाँ उसके पापा की तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपये पर मंथ है, एक ऐसी फैमिली जहाँ बचपन में उसे अपनी टर्बो साइकिल के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि उसके पापा प्रॉपरली सेव नहीं कर पा रहे थे, एक ऐसा परिवार जहाँ बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे लगातार कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिली हों, बेटा बड़े होकर गवर्नमेंट नौकरी करनी है, बेटा मैंने जीवन भर मेहनत की है और अब जाकर मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये महीना है, बाहर सफलता आसान नहीं है इसलिए मेहनत करो, एक बड़ा आदमी बनने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी नौकरी करनी है, बेटा अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। ये सब बातें उस बच्चे की ग्रोथ पर कुछ पैरामीटर फिक्स कर देती हैं और वो बच्चा ये विश्वास करने लग जाता है कि मैं एक सर्विस क्लास फैमिली का बच्चा हूँ और लाइफ में अगर कुछ कर सकता हूँ तो वह सिर्फ सर्विस। उसके लिए टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं, उसके सारे ड्रीम्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो मर्सिडीज कन्वर्ट हो जाती है एक मारुति कार में, वो बंगलो कन्वर्ट हो जाता है एक MIG या फिर एक LIG फ्लैट में, और उस बच्चे की लाइफ का जो फाइनल एम है अब वो ये रह जाता है, मैं मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा ताकि मेरी सैलरी कम से कम 30,000 रुपये महीना होनी चाहिए जो कि मेरे पापा की तनख्वाह की ठीक डबल होगी। लेकिन वो कभी 30 लाख या 30 करोड़ की बात नहीं करता, वो कभी भी एक टॉप अचीवर बनने की बात नहीं सोचता। लेकिन सच्चाई थोड़ी उल्टी है। अगर आप वर्ल्ड में जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, चाहे वो भारत के टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी हो या फिर वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बिल गेट हो, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, अगर आप इनकी बिब्लियोग्राफी देखें, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से 80% लोग वो हैं जो लास्ट 50 ईयर में रिच हुए हैं और हम में से उठकर ऊपर गए हैं। सिर्फ 20% लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर ऐसा इन लोगों में क्या स्पेशल था कि ये हम में से उठकर ऊपर जा पाए और अपना नाम टॉप अचीवर्स में लिखवा पाए? ये लोग जो पहली चीज कर पाए वो इन पैरामीटर्स को तोड़ पाए, वो पैरामीटर जो इन्हें अपनी ग्रोथ के टाइम पर मिले थे। जो दूसरी चीज ये कर पाए, ये अपने कभी सपनों को नहीं भूले। तो मेरा आखिरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है, अगर आप भी लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप भी अपना नाम टॉप अचीवर्स में लिखवाना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको करनी होगी, आपको अपने इन पैरामीटर्स को तोड़ना पड़ेगा, वो पैरामीटर्स जो आपको अपनी ग्रोथ के टाइम पर आपके हालातों से मिले हैं। विश्वास कीजिए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो है सही मेहनत सही दिशा में। जो दूसरी चीज़ आपको करनी होगी, आपको कभी अपने सपनों को नहीं भूलना है, कभी उस मर्सिडीज को मत भूलिए, कभी उस बंगलों को मत भूलिए जो कभी आपने बचपन में देखे थे। अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना शुरू कीजिए, अपने ड्रीम्स के लिए उतनी ही ईमानदारी से लड़िए जितनी ईमानदारी से आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। वर्ल्ड वाइड 80% लोग अपने 3 टाइम के खाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। एंड विश्वास कीजिए, उन्हें 3 टाइम का खाना ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 3 टाइम के खाने के लिए थी। सिर्फ 20% लोग अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, एंड विश्वास कीजिए वही लोग टॉप अचीवर्स हैं, टॉप अर्नर हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपने सपनों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनका कोई ना कोई अपना सपना ज़रूर रहा होगा, तो चलिए देखते हैं कि हम अपने ड्रीम के लिए कैसे लड़ेंगे। ये है हमारा ड्रीम सर्कल, जिसमें है एक सुंदर घर। एक और भी सर्कल है जिसे हम इनकम सर्कल कहते हैं। इनकम सर्कल हमेशा अपने ड्रीम सर्कल से बहुत छोटा होता है।
हमारे सामने दो ऑप्शन होती हैं। पहला ये कि हम अपने इस ड्रीम सर्कल को सिकोड़ें, निचोड़ें, श्रिंक करें और इनकम सर्कल में ले आए। ज़्यादातर लोग इसी ऑप्शन पर काम करते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम अपने इनकम सर्कल को एक्सपैंड करें और अपने ड्रीम सर्कल को इसमें एज इट इज ले आए। जो लोग दूसरी ऑप्शन पर काम करते हैं वही लोग टॉप अचीवर्स बनते हैं, टॉप अर्नर बनते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम दूसरी ऑप्शन पर कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन पर काम करने के लिए हमें अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब गोल क्या होता है? ड्रीम का प्रैक्टिकल फॉर्म गोल कहलाता है। और एक ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे और ये प्रश्न कुछ इस तरह से होंगे, हेलो मिस्टर चेतन, आपका सपना क्या है? मैंने कहा, मेरा सपना एक सुंदर घर। किस तरह का घर चाहिए आपको? एक MIG फ्लैट, एक LIG फ्लैट, बंगलो, कोठी और क्या? मैंने कहा, मुझे चाहिए एक MIG फ्लैट। ये फ्लैट आपको कहाँ चाहिए? मैंने कहा, मुझे फ्लैट चाहिए दिल्ली में विकासपुरी एरिया में। इस फ्लैट की विकासपुरी एरिया में क्या कीमत होगी? मैंने प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि एक अच्छे MIG फ्लैट की कीमत विकासपुरी में होगी लगभग 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये फ्लैट आपको कब चाहिए? 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद या फिर जब आपके दांत गिर जाएंगे तब? मैंने कहा, मुझे घर चाहिए 3 साल के अंदर अंदर किसी खास वजह से। 3 साल बाद इस घर की कीमत बढ़कर क्या हो जाएगी? मैंने फिर से प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि 3 साल बाद इस घर की कीमत बढ़कर शायद 30 लाख के आसपास हो जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि ये एक वेल डिफाइंड ड्रीम है और एक प्रॉपर गोल है। क्या चाहिए मुझे? एक MIG फ्लैट विकासपुरी में जिसकी कीमत होगी 30 लाख रुपए और 3 साल मेरा वक्त है। आप कहेंगे, ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से क्या मुझे मेरा घर मिल जाएगा? तो आंसर है हाँ। ये सब करने से आज पहली बार मेरा ब्रेन आज एक ऐसे स्टेट में आया है जहाँ से मुझसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा मुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि मैं इस समय कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, हेलो मिस्टर चेतन, आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कहा, मेरी तनख्वाह है 15,000 रुपये प्रतिमाह। आप कितना बचा सकते हैं अपने इस घर के लिए? मैंने कहा, मैं इस घर के लिए पैशनेट हूँ और कम से कम 10,000 रुपये महीना जरूर बचा लूँगा, चाहे मुझे नमक रोटी से क्यों ना खाना पड़े। तो फिर इस हिसाब से आप 1 साल में कितना बचा पाए? मैंने कहा, 1,20,000। 2 साल में कितना बचा पाए? मैंने कहा, 2,40,000। 3 साल में कितना बचा पाए? मैंने कहा, 3,60,000। आपने 3 साल में 3,60,000 बचाया और आपको चाहिए कितना? मैंने कहा, 30 लाख रुपए। तो क्या आप वाकई में अपना घर खरीदने जा रहे हैं मिस्टर चेतन? आंसर इज नो, क्योंकि ये 3.6 लाख तो उस बढ़ी हुई कीमत के बराबर भी नहीं है जो पिछले 3 सालों में बढ़ गई है, यानी कि 10 लाख रुपए। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ये घर अभी तो क्या कभी भी परचेज नहीं करने जा रहा हूँ। इसीलिए इससे पहले ये एक वेग ड्रीम था, एक हवाई सपना था जो हमारे साथ हमेशा अलग अलग फॉर्म में चलता है लेकिन कभी पूरा नहीं होता। लेकिन अब मेरा ब्रेन एक ऐसी स्टेट में आ चुका है जहाँ से वो मेरे इस सपने के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब मेरा ब्रेन मुझे बहुत सारे सजेशन देगा। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे करने चाहिए? किस तरह से मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए ताकि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं, अपने इस गोल को अचीव कर सकूं? तो चलिए देखते हैं कि अब मैं अपने इस सपने के लिए कैसे लड़ूंगा, कैसे मेरा ब्रेन इस सपने के लिए लड़ने के लिए मुझे हेल्प करता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैं एक टीचर हूँ और IIT मेडिकल एक्सपीरियंस को पढ़ाता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। एक प्रोफेशनल टीचर की तरह मान लीजिए मेरे चार्जेस हैं 100 रुपये प्रति घंटा। अगर मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ाता हूँ तो मेरी इनकम हुई 800 रुपये प्रतिदिन। अगर मैं महीने के 30 दिन पढ़ाता हूँ तो मेरी इनकम हुई 24,000 रुपये प्रति माह। हालांकि इनकम मेरे लिए एक संतोषजनक इनकम है लेकिन मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी नहीं है। मैंने सोचना शुरू किया कि किस तरह से मैं अपने इनकम सर्कल को एक्सपैंड करूं
ताकि मेरा ड्रीम सर्कल इसमें एज इट इज आ जाए। इसी सोच में मैंने सोचा चलो मैं 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, जिससे मेरी ये इनकम बढ़कर 30,000 रुपये प्रतिमाह हो गई। लेकिन ये इनकम भी काफ़ी नहीं है मेरे इस गोल सर्कल को कवर करने के लिए। अब क्या किया जाए, 10 घंटे से ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ा सकता, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को फिजिकली हरास नहीं कर सकता, और अगर मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, और अगर मैं 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता तो फिर ये टाटा बिरला धीरूभाई अंबानी ये 30 लाख 30 करोड़ की बातें कैसे कर लेते हैं। बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ इनकम, दो तरह की इनकम होती हैं, एक होती है लीनियर इनकम और एक होती है लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम को हम हार्ड वर्क इनकम भी कहते हैं और लेवरेज इनकम को हम स्मार्ट वर्क इनकम भी कहते हैं। अभी तक जो मैं अर्न कर रहा था ये मेरी लीनियर इनकम थी। लीनियर इनकम में बेसिकली हम अपना टाइम सेल करते हैं, अपना वक्त बेचते हैं। जितना ज़्यादा हम अपना टाइम सेल करेंगे ये इनकम उतनी ज़्यादा होगी। अब खुद देखिए, अगर मैं 8 घंटे पढ़ाता हूँ तो मेरी इनकम कितनी है, 24,000 रुपये। अगर मैं 4 घंटे पढ़ाऊँगा तो ये कितनी रह जाएगी, 12,000 रुपये। और अगर मैं 2 घंटे पढ़ाऊँगा तो ये इनकम कितनी रह जाएगी, 6,000 रुपये। यानी जितना ज़्यादा मैं अपना टाइम सेल करूँगा मेरी ये इनकम उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जिस तरह से टाइम लिमिटेड होता है ये इनकम भी लिमिटेड होती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। उसी तरीके से इनकम भी एक लिमिटेड इनकम होती है और इसमें एक लिमिट के बाद एक फुल स्टॉप लगता ही लगता है। अब अगर मुझे एक ऐसी इनकम जनरेट करनी है जिसमें कभी कोई फुल स्टॉप ना लगे, अगर मुझे एक ऐसी इनकम जनरेट करनी है जिसे मैं अनलिमिटेड लेवल तक बढ़ा सकूं, अगर मुझे एक ऐसी इनकम जनरेट करनी है जिसमें पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी हो, तो मुझे अपने आप को लीनियर से लेवरेज साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब लेवरेज इनकम क्या होती है, लेवरेज इनकम जनरेट करने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला। मैंने इसमें 4 टीचर्स को रिक्रूट किया, पहला फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा मैथ्स का और चौथा बायो का। इस कंडीशन के साथ कि ये लोग जो भी कुछ अर्न करेंगे उसका 50% इन्हें मुझे देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। अब अगर हर टीचर 24,000 का काम करता है तो उसमें से उसे 12,000 मुझे देने पड़ेंगे, और अगर हर टीचर से मुझे 12,000 रुपये मिलते हैं तो इस हिसाब से मेरी इनकम कितनी हो गई, 48,000 रुपये। ये इनकम ठीक डबल है मेरी पुरानी इनकम 24,000 की। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ मैं 8 घंटे पढ़ा रहा था और मेरी इनकम थी 24,000 रुपये, जबकि यहाँ मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। मैं यहाँ पूरी तरह से फ्री हूँ ऐसे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए, हर ब्रांच में और टीचर्स को रिक्रूट करने के लिए, अपने टाइम को दूसरों के एफर्ट से मल्टीप्लाई करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि टाइम ही पैसा है। तो बेसिकली लेवरेज इनकम में हम बहुत सारे लोगों को अपने लिए इन्वॉल्व करते हैं, अपने टाइम को उनके एफर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज इनकम कहते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग इस प्रिंसिपल पर काम करते हुए लाखों करोड़ों जनरेट करते हैं। मान लीजिए ये है मिस्टर रावत, जो कि एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड के मालिक हैं। मिस्टर रावत अपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाते हैं? मिस्टर रावत के नीचे है एक टीम ऑफ डायरेक्टर्स, इन डायरेक्टर्स के नीचे हैं जनरल मैनेजर्स, इन जनरल मैनेजर्स के नीचे हैं मैनेजर्स, उनके नीचे हैं असिस्टेंट मैनेजर्स और उनके नीचे हैं फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल केयर करते हैं एक बहुत बड़ी लेबर का। इस हिसाब से लगभग 1900 लोगों का स्टाफ मिस्टर रावत के लिए काम कर रहा है। ये 1900 लोग लगातार अपने लीनियर एफर्ट्स डाल रहे हैं और इसलिए एक एवरेज क्लास से बिलोंग करते हैं, जबकि मिस्टर रावत ने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है इन 1900 लोगों के एफर्ट से, इसलिए वो एक टॉप अचीवर हैं, एक टॉप अर्नर हैं। इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर जे पॉल, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ यूएस एंड द ऑथर ऑफ बुक अनलिमिटेड वेल्थ, रादर देन टू पुट 100% एफर्ट एंड टू अर्न 100% इनकम, व्हाट आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व 100 पीपल एंड विल टेक 1% ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच वन। डॉक्टर जे पॉल गेटी के शब्दों में, इसके बजाय
कि मैं 100% मेहनत करूं और 100% कमाऊं। मैं क्या चाहूंगा कि मैं 100 लोगों को इन्वॉल्व करूं और हर एक के टोटल प्रॉफिट का सिर्फ 1% ले लूं, क्योंकि उससे जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मनी एज वेल एज टाइम फ्रीडम, पैसा और टाइम फ्रीडम दोनों एक साथ। और जी हाँ, यही सोल्यूशन है हमारी इस प्रॉब्लम का जहाँ से हम शुरू हुए थे लेडीज एंड जेंटलमैन, कि किस तरह से लाइफ में काम किया जाए कि हमारे पास जीवन में दोनों चीज़ें एक साथ हों, बहुत सारा पैसा और उसके साथ बहुत सारा टाइम फ्रीडम। और सोल्यूशन है लेवरेज इनकम। लेकिन अगला प्रश्न ये उठता है कि हम अपने आप को लेवरेज इनकम में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लेवरेज इनकम में इन्वॉल्व होने के लिए हमारे पास 3 मूल समस्याएं हैं। पहली है हमारी प्रेजेंट जॉब, दूसरी है हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तीसरा है वर्क एक्सपीरियंस। पहली है प्रेजेंट जॉब, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो प्रेजेंटली ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या तो वो शॉपकीपर हैं, या वो बिजनेसमैन हैं, या फिर वो जॉब में इन्वॉल्व हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कि जो भी कुछ चल रहा है उसे छोड़ छाड़ कर कुछ नया शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा दिल में एक फेलियर का डर बना रहता है। ये ना हो कि जो हमने शुरू किया है हम उसमें कामयाब ना हो और हमारा पीछे वाला भी हाथ से निकल जाए। इस तरह की फीलिंग हमें कभी कुछ नया शुरू नहीं करने देती, चाहे हम कितने भी एम्बिशियस हों, चाहे हम लेवरेज इनकम में ही क्यों ना इन्वॉल्व हो रहे हों। दूसरी प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सेटअप लगाना हो जिसमें लेवरेज इनकम इन्वॉल्व हो और जिसमें दूसरे लोग आएँ और आपके लिए काम करें, ऐसा सेटअप को लगाने के लिए आपकी जेब में बहुत सारा पैसा होना चाहिए, जो शायद सबके पास नहीं होता। तीसरी प्रॉब्लम है वर्क एक्सपीरियंस। हो सकता है कि आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हों किसी भी ऐसे सेटअप को लगाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास उस इंडस्ट्री से रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस नहीं है जो आप लगाने जा रहे हैं, तो आपकी सक्सेस के चांसेस लगभग निल हैं। लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है, ग्लोबल क्लब रिटर्न सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आई है, क्योंकि हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें काम करते हुए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जहां आपको अपनी प्रेजेंट जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर पार्ट टाइम करना है। यहां आपको बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। वर्क एक्सपीरियंस हम आपको सिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे। एक मार्केटिंग कंपनी है और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। निकट भविष्य में कंपनी ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का फैसला किया है, लेकिन अगली चीज़ है कि हम इन प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए वर्ल्ड वाइड 3-4 मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पुराना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, और उसके अलावा नए मार्केटिंग प्लान्स में हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वह प्लान है जो कई सौ सालों से हमारे बीच में है और हम अपनी ज़रूरत के सभी सामानों को इसी प्लान से परचेज करते आए हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस पेन से। मान लीजिए मैं इस पेन का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पेन देश के कोने कोने घर घर में जाए और हर आदमी मेरे इस पेन को परचेज करे, तो बीइंग ए मैन्युफैक्चरर मुझे क्या करना पड़ेगा। बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले मैं इस पेन को स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दूंगा, यानी कि सुपर स्टॉकिस्ट को। ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक नेटवर्क होता है, यानी कि ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे इसको सिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देंगे, लाइक विद इन पंजाब, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर एंड ऑल दैट। ये सिटी डिस्ट्रीब्यूटर आगे इस पेन को होलसेलर्स को, और ये होलसेलर्स रिटेलर को दे देंगे। अब एक कस्टमर ये पेन परचेज करने के लिए रिटेलर के पास जाएगा, लेकिन कब? जब मैं कस्टमर को बताऊंगा कि मेरा पेन मार्केट में आ चुका है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट, स्टार टीवी, दूरदर्शन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान। मुझे एक सेल्स टीम भी चाहिए होगी जो ये कन्फर्म करेगी कि मेरा पेन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। अब अगर मेरे पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 रुपीज है, तो कस्टमर तक जाते जाते इस पेन की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। अब मैं आता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग प्लान पर। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, कोई सिटी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, कोई होलसेलर नहीं होता, कोई रिटेलर नहीं होता।
कोई एड बजट नहीं, कोई सेल्स टीम नहीं। प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है और इस पूरे प्रोसेस में एक मैन्युफैक्चरर कम से कम 50% फाइनल प्राइस का बचा लेता है, जिसे फिर से दो पार्ट में यूटिलाइज किया जाता है। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा, ये पैसा वापस उन कस्टमर में बांट दिया जाता है जो उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे थे। अगर आप मार्केट में देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में बहुत सारे नए मार्केटिंग प्लान अवेलेबल हैं और ये सब के सब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, यानी प्रोडक्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को दिया जाए, और ये सब प्लान इस पुराने प्लान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी जेब में है 20,000 रुपये, आपकी हार्ड कोर इनकम, और आप एक टीवी परचेज करने निकलते हैं। आपके सामने दो मार्केटिंग प्लान हैं, एक साइड है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और एक साइड है नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। अगर आप 20,000 रुपये ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में खर्च करते हैं तो उसके बदले में मिलता है आपको एक टीवी और 1 ईयर वारंटी। लेकिन यही 20,000 रुपये जब आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में खर्च करते हैं तो उसके बदले में आपको मिलता है एक क्वालिटी टीवी, 1 ईयर वारंटी, और मिलता है एक बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो आपको देगा लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम यानी कि एक ऐसी इनकम जिसमें कभी कोई फुल स्टॉप ना लगे, जो आपको दे अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। लेवरेज इनकम जो आपको देगी टाइम फ्रीडम, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। आपको मिलेगा एक ऑफिस काम करने के लिए, आपको मिलेगी फैमिली एंड कॉन्टेक्ट, और मिलेगी पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ इतनी कि मैं कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ इस तरह के सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। आप ही की तरह एक बार मैं भी इस कंपनी में एक सेमिनार देखने आया था, लेकिन आज मैं इस कंपनी के लिए सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं इस पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, और इन्हीं सभी अच्छी वजहों से आज ये इंडस्ट्री पिछले 60 सालों में एक यंग इंडस्ट्री की तरह सामने आई है। अकेले अमेरिका के अंदर आज 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, और लगभग एक तिहाई भाग गुड एंड सर्विसेज का इसी इंडस्ट्री से जाता है। वर्ल्ड वाइड 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोग 125 कंट्री में काम करते हुए, 75,000 से भी ज़्यादा कंपनीज में काम करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरीके से मार्केट कर रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में ये इंडस्ट्री बिल्कुल अपने इनिशियल फेज में है, बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, क्योंकि वो सिचुएशन जो अमेरिका में आज से 60 वर्ष पूर्व आई थी, इंडिया में अभी 2.5 साल पहले ही आई है, और इसलिए भारत में इसका एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आप ध्यान से सोचें, वो पैसा जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एड बजट, सेल्स टीम में देना था, उस पैसे ने वर्ल्ड में 30 मिलियन लोगों को प्रोडक्ट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। और इन्हीं सभी अच्छी वजहों से प्रभावित होकर ग्लोबल कोलैबोरेटर ने अपने प्रोडक्ट को इसी तरीके से मार्केट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि इसमें हम एक तरफ आपको एक वंडरफुल प्रोडक्ट तो देते ही हैं, साथ में आपको देते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें काम करते हुए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, अब आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे फ्रेंड्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके साथ एक एक करके बैठ जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो उसे एंटरटेन करेंगे, साथ में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे वो बिजनेस प्लान जिसमें आपके ड्रीम्स छुपे हुए हैं। आखिरी में आपके समय के लिए धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए।